नमस्ते, मैं हूं आपके साथ कावेंद्र। और आज जैसा कि आप सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन एक हॉट सीट है, वीवीआईपी सीट है, जिस पर सबकी नजर है। और ऐसे में आपकी शिकायतों को दूर करते हुए आप हमेशा कहते थे कि स्टूडियो में बैठकर बातें की जाती हैं, तो ऐसे में आज जमीन पर आए हैं, नंदीग्राम खुद पहुंचे हैं। और यहां पर एक पोलिंग बूथ है, आपको सामने दिखाना चाहूंगा। पोलिंग बूथ से अभी लोग लगातार जो है वोट डालकर बाहर आ रहे हैं और वो क्या कुछ बता रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात आपको बता दें इससे पहले कि यहां पर आने से पहले मैंने एक चीज सोच ली थी कि जो जमीन पर है वो सीधे आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाएंगे, बीच में कोई एडिट नहीं, कोई कट नहीं, कोई शॉट नहीं। अपने एडिटर से भी कह दिया था, एडिटर जी हमारे रविंद्र जी से भी कह दिया था कि कोई एडिटिंग ना की जाए, जैसा है बिल्कुल वैसा ही दिखाएं, ऑनेस्टली रखें, बिल्कुल कोई भी चीज में कट शॉट पेस्ट कुछ भी नहीं। पत्रकार होने के नाते जो जमीन पर वो आपकी स्क्रीन पर। तो ऐसे में यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। जी ये बताइए, सबसे पहले तो एक ही सवाल जो सबसे ज्यादा यहाँ पर चल रहा है, कीवर्ड बन चुका है, माहौल क्या है? माहौल अच्छा चल रहा है, अभी वोट देकर आया हूँ और वहाँ पर सुबह से 7 बजे से लेकर खड़ा हुआ हूँ। और हमें मेरे पास मेरी तरफ से एक ही दुआ है, जो दीदी जीते और दीदी ही जीतेगा और दीदी को जिताएंगे हम जी। देखिए यहाँ पर दीदी को जिताने के लिए बहुत सारे लोग जो सबसे आगे आते हैं, ये बताइए खेला हो रहा है कि सोनार बांग्ला की तरफ बढ़ने वाले हैं? सोनार बांग्ला की तरफ बढ़ रहा है, खेला वाला कुछ नहीं है, खेला तो वो लोग चालू किया है। हम लोग तो अभी प्यार से सबसे मतलब बात भी कर रहा है, वोट भी हमारा इधर शांतिपूर्ण भावे हो रहा है कोई। अच्छा, नंदीग्राम में क्या लग रहा है, नंदीग्राम की स्थिति क्या बता रही है? बहुत अच्छा है, प्यारा नंदीग्राम है। कौन आने वाला है? अभी दीदी आने वाला, दीदी हर कुछ किया, आपने देखा नहीं इधर क्या? सुरेंदु जी इतने सालों से जो यहाँ पर बने हुए थे तो वो रिपीट क्यों नहीं करने जा रहे? अरे वो रिपीट इसलिए क्यों नहीं कर रहे, वो तो झाड़ पीट के चला गया है, उसको सब कुछ करने के लिए दिया था, उसके जैसा चोर सारा इंडिया में नहीं मिलेगा। आपने इतना प्यार दिया बीते इतने सालों तक, हाँ। अचानक से पार्टी बदल लेने से प्यार कैसे नफरत में बदल गया? देखो जिसको जितना प्यार करोगे अगर वो धोखा देगा तो उसके ऊपर गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। बिल्कुल, दोबारा पर आ रहा हूँ। देखिए पश्चिम बंगाल का चुनाव कई मायनों में दिलचस्प है। आज असम में भी आपको बता दूं 39 सीट्स पर वोटिंग हो रही है, ऐसे में पश्चिम बंगाल में जो 30 सीटों पर वोटिंग है उस पर पूरे देश की नजर है। नंदीग्राम इससे पहले 2007 के दौरान चर्चा में आया था, नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा का विषय बना था, क्योंकि यहां पर किसान आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई वो चर्चा में रही। अब एक बार फिर नंदीग्राम जो है सबसे ज्यादा हॉट सीट बना हुआ है, यहां पर ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी, लेफ्ट भी है लेकिन लेफ्ट बिल्कुल लेफ्ट हो चुका है तो वो जब नजर नहीं आता। सबसे दिलचस्प एक और चीज मैंने यहां पर देखी, देखिए हम जब उत्तर प्रदेश के चुनाव कवर करते हैं, जब मध्य प्रदेश के चुनाव कवर करते हैं, मतलब नॉर्थ इंडिया के जब चुनाव कवर करते हैं, तो वहां पर महिलाओं में इतनी दिलचस्पी देखने को नहीं मिलती, लेकिन यहां पर महिलाएं बहुत तेजी से आगे आती हैं, मुखर होकर बोलती हैं और बात भी करती हैं। ये बताइए यहां पर ममता बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी? ममता बनर्जी। ममता दीदी? ममता दीदी। ठीक है, ये बताइए आप यहां वोट देने आए हैं? हां वोट देने। वोट दे दिया आपने? सुस्त भाई वोट दिए। अच्छा ये बताइए यहाँ पर अभी इतने बीते समय इतने सालों से यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी जी तो डटे हुए थे, आप लोगों ने उन्हें इतना प्यार दिया, वो उन्हें दोबारा जितवाया, इस बार ऐसा क्या हो गया कि पार्टी बदल लेने से जो प्यार है वो खत्म हो गया? ना वो धोखा दिए, वो धोखा दिया शुभेंदु अधिकारी, धोखा दिए धोखा दिए। अच्छा ठीक है, यहाँ लोगों का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी ने जो पार्टी बदली उससे ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने धोखा दिया है। ऐसे में एक चीज जानने की कोशिश करता हूँ, देखिए ये आप थोड़े से पॉलिटिकली थोड़े वोकल लग रहे हैं मुझे, ये बताइए कि देखिए 2016 में जब चुनाव हुए तब तो बीजेपी कहीं थी ही नहीं, इस बार बीजेपी सबसे प्रमुख चेहरा है, हर कोई बात कर रहा है कि फाइट जो है वो बीजेपी बनाम ममता दीदी है। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बीजेपी बनाम टीएमसी फाइट है यहाँ पर, इससे पहले 2016 के चुनाव में कहीं नहीं थी, अब ये बताइए बीजेपी या फाइट में है? प्रश्न यह है क्यों आया जी? चोरी कर करके जब हद हो गया है उसको, जब जैसे सड़ा हुआ अंडे जानते हो ना, दीदी ने अंडे को फेंक दिया और अमित शाह ने ऐसे पकड़ लिया कैच, सौरभ की तरह पकड़ लिया उसको, जब अमित शाह ने फुल पावर दे दिया कि तुम खड़े हो जाओ हम तुम्हारे पीछे हैं, तो एकदम से खड़ा होगा चारों तरफ फेस्टोन वेस्टोन लगा के बाहर से आदमी ला के बहुत कुछ कर रहा है। अच्छा ठीक है, आपने कहा अभी जो बहुत 26-27 उसका पद था, मतलब चुनाव जीतने का बाद जैसे वो, हाँ 35 के आसपास होगा शायद, अभी तो फिलहाल था इलेक्शन से पहले, जब दीदी ने उसको फेंकने से पहले वो क्या था, परिवहन मंत्री था, बहुत कुछ उसको पद दिया था, अचानक उसको चारों तरफ से चोरी चमारी, जैसे ये अम्फान का जो तूफान आया था तूफान में भी उसको सब कुछ दिया था कि भाई तुम सबको जानते हो जाके सबको दो, चारों तरफ का एक बोरिया में भर के और लेके भाग गया। अच्छा ठीक है, देखो बीजेपी में एक मिनट रुको, तुम यार बात करने नहीं देते हो, यही आदत खराब है मीडिया वालों का। रखिए अपनी बात, रखिए अपनी बात, चोरी कर करके बोरी भर लिया और कंधे में लाद के चला जा रहा है, और जब दीदी देख लिया कि तू इतना चोरी कर रहा है गरीब आदमी को नहीं दे रहा है, तो दीदी ने किया क्या, उसको फेंक दिया पच्चा मतलब सड़ा हुआ अंडे की तरह, और अमित शाह ने पकड़ लिया, पकड़ के बोल रहा है तेरे को इतना नफरत किया है,
ठीक है तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे को पद दे दूंगा, अच्छा भला तू रहेगा। लेकिन क्या है पता है, उसको देखे लड़ाई करवा रहा है मोदी जी। अच्छा ठीक है, तो आप दल बदल की बात कर रहे हैं। दल बदल जो है अभी हालिया समय में देखने को मिले, जब चुनाव नजदीक आ रहे थे उससे पहले ये दल बदल की चीजें हुई हैं। इससे पहले बताइए 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आपको पता है 18 सीटें यहाँ से बीजेपी निकाल ले गई थी लोकसभा में, 40% वोट शेयर था, वो क्यों था फिर? वो तो थोड़ा थोड़ा जैसे उधर वो गायक है ना, वो क्या नाम है, बाबुल सुप्रियो, थोड़ा थोड़ा इलाका में था, ज्यादा नहीं। अच्छा ठीक है, थोड़े थोड़े इलाके में था। ये बताइए यहाँ पर 2019 में जो वोट शेयर था, अब क्यों ना माना जाए कि वोट शेयर वापस आए? बोलो जे सुभेंदु जे काज गोचे ओके और बापर घर থেকে লিয়েছে কাজ করছে ওকে দিদি দিয়েছে ও লিয়ে কাজ করেছে। ठीक है, आप समझा सकते हैं इन्होंने क्या बोला अभी? ठीक है, हमें दीदी चाहिए, दीदी का वोट देना, दीदी बहुत कुछ कर। तो बिल्कुल दीदी चाहिए, दीदी चाहिए, यहाँ पर हर किसी का यही कहना है। ये पोलिंग बूथ है जो नंदीग्राम में मौजूद है, इसके बाहर मैं मौजूद था। ऐसे में पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके के रंग आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो मुखर होकर बातें रखते हैं, मुखर होकर बोलते हैं। यहाँ पर तमाम जो चीजें हैं वो भी साफ साफ नजर आती है कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है, क्या कुछ होता दिख रहा है। ऐसे में पोलिंग बूथ जो है, हम लगातार आपको और भी पोलिंग बूथ के नजारे दिखाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर, क्या कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन ऐसे में सामने देखिए आप तस्वीरें, यहाँ पर लोग वोट डालकर बाहर आ रहे हैं और खुलकर यहाँ पर कह भी रहे हैं कि हम किसके साथ हैं। यहाँ पर कोई छुपाने जैसी चीज तो नजर आती नहीं, क्योंकि लोग खुलकर मुंह से बता रहे हैं कि हम किसको वोट देने जा रहे हैं, हम किसके साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज आप समझिए, जब से ये चुनाव नजदीक आए, ऐसे में आप कहेंगे कि पांडुचेरी में भी चुनाव हो रहे हैं, असम में भी चुनाव हो रहे हैं, वहां की बात क्यों नहीं करते? देखिए वहां की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो ऐसी इकलौती महिला सीएम है जो खुलकर और डटकर मुकाबला कर रही है। यहां पर जो मोदी है, मोदी यहां पर आए हुए हैं, मोदी जी के आने के बाद यहां पर अभी तक कोई सीएम का चेहरा रिलीज नहीं किया गया। लेकिन आप जब कोलकाता में घुसते हैं, जब आप पश्चिम बंगाल में घुसते हैं, तो आपको हर जगह एक ही तस्वीर नजर आती है मोदी जी की, और उसके साथ यहां पर दूसरी तस्वीर नजर आती है, वो आती है शुभेंदु अधिकारी की। लेकिन इस चुनाव में महिलाएं जो आगे आ रही हैं, महिलाएं जिस तरीके से निकल के आती हैं, वो हम लोगों को यूपी के चुनावों में नहीं दिखता, वैसा हमको मध्य प्रदेश के चुनावों में नहीं दिखता। आप वोट डालकर आ रही हैं? ममता दीदी ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा भाषा का भी अवरोध है, क्योंकि बंगाली और हिंदी समझने में कुछ कुछ लोग जो हैं यहाँ पर कम हैं, तो ऐसे में भाषा का अवरोध जरूर है। लेकिन सबके मुंह से यहाँ फिलहाल जिस पोलिंग बूथ के सामने मैं खड़ा हूँ, बिल्कुल बिन कट बताऊँ तो यहाँ पर सबके मुंह से एक ही बात निकल रही है कि ममता दीदी, ममता दीदी। अब दादा के साथ क्या परेशानी है वो तो आपको आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ नहीं होने जा रहा है, 2 मई को सब कुछ तस्वीरें साफ हो जाएंगी। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।